पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल मतदान होना है और पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही जो हवा उठेगी वो पूर्वांचल तक आएगी। हमारे साथ रविकिशन जी हैं। सर, आप खुद गोरखपुर से कैंडिडेट हैं लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, कल मतदान है, किस तरीके से देख रहे हैं पश्चिम उत्तर की हवा को? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ और ये रिकॉर्ड पर है। आप देखिएगा, ऐतिहासिक वोटिंग होने जा रही है क्योंकि जनता सबको जान चुकी है, सबको परख चुकी है। जो हमको खबर आ रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, सारी सीटों पे जहाँ पर कल चुनाव वोटिंग होगी वो सारी सीट भाजपा के पक्ष में, और सारी सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी जी जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही है। आप ये मेरे शब्दों को रख लीजिएगा और इसमें कोई घमंड या कोई ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री जी को लोगों ने 10 साल में जो समझा है, देखा है, देश को बदलते देखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दंगे के लिए जाना जाता था, पूज्य महाराज जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को संभाला है, विकास के साथ माफियाओं से मुक्त कराया है, दबंगों से, दंगाइयों से मुक्त कराया, उसको देख के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी आकर्षित हैं इस वक्त। जो मैं आपको अभी लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ, मुस्लिम महिलाएं भी वोट कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। यादव समाज बहुत ज़्यादा तबका वोट कर रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर एक बहुत बड़ा आकर्षण बने हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्साहित है इस वक्त भारत में वो है फर्स्ट टाइम वोटर, और वो संख्या बहुत बड़ी है। तो ये जो फैक्ट है, मैं ये फैक्ट आपके सामने रखा, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाता आपके साथ हैं। कल जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, वो एक बयान देते हैं कि पूजा पाठ वाले ढोंगी होते हैं, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं। और कल ही जो है अयोध्या में भव्य रामनवमी मनाई गई है, तो रामगोपाल यादव जी के बयान को किस तरीके से ले रहे हैं? उन्होंने सीधा सीधा पूजा पाठ वाले को, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। जैसे कि रमज़ान में ये जिस घर में जाके माननीय अखिलेश यादव जी ने फातिया पढ़ा था या जो भी किया था वहाँ, हम नहीं लेकिन विजुअली जो देखे उससे पता चलता है ध्रुवीकरण की राजनीति घनघोर है इनके अंदर। और इनको पता है कि कोई भी सनातनी विचारधारा वाला व्यक्ति ऐसे ध्रुवीकरण की राजनीति वालों को, राम विरोधी जो मंदिर के और प्रभु राम के आस्था पर सवाल चलाए थे, राम भक्तों पे जिनकी सरकार में छातियों पे गोली मारी गई थी, उनको वोट इस बार नहीं मिलने वाला। तो बचा कुछा जो उनको लग रहा है, जहाँ उनको उम्मीद की किरण दिख रही है, जो कि वहाँ पे भी मुस्लिम महिलाएं भी पूरा भाजपा की तरफ आकर्षित हैं, वहाँ के लिए ये शब्दों का बयान, चुनावी बयानबाजी में इतना घटियापन कर देते हैं लोग कुछ वोटों के लिए। अब ये कि अब आप एथिस्ट हैं, अंग्रेज़ी में एथिस्ट कहा जाता है, जो नास्तिक हैं, तो अपने पास रखिए। मेरी विचारधारा रहती, मैं बोलता हूँ, आप ठीक है जैसे, लेकिन बाकी 100 करोड़ हिंदुओं को तो आप नकार नहीं सकते हैं अपनी मानसिकता से और अपनी ओछी राजनीति से। और कुछ सालों का पद, कुछ सालों की कुर्सियाँ, ये भी नहीं कि पूरा आजीवन आप 5000 साल कुर्सियों पे बैठेंगे, बुढ़ाएंगे, मरना है, नश्वर है शरीर, लेकिन उस चंद 5 साल उस कुर्सी पे बैठने के लिए आप कुछ भी घृणित शब्दों का, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये बहुत ही दुखदाई है। लेकिन भारत इन सारे ध्रुवीकरण राजनीतिक चेहरों से, इनका भारत ने नकाब उतार लिया है। 4 जून को ऐतिहासिक सीटों के साथ, ऐसी जो आपने तो 14 में 19 में नहीं देखी, वो प्रधानमंत्री मोदी जी उसके साथ विजयी हो रहे हैं। और ये मैं आपको आपके चैनल पर कह रहा हूँ, और ये ज़मीनी आदमी कह रहा है, एक कलाकार जो ज़मीनी सुपरस्टार है, जो गोरखपुर की राजनीति में सांसद है और गाँव ही में घूमता है, गाँव ही मेरी पहचान है, मैं स्वयं गाँव हूँ, तो वो व्यक्ति आपसे बोल रहा है। और आप 4 जून को देख लीजिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको सपा अपना एकाधिकार जताती है, वो खिसक रहा है, इसलिए रामगोपाल यादव बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव जाके जो है फतीहा पढ़ रहे हैं। गोरखपुर में हम देख रहे हैं ना, हम तो कहीं दूर की बात नहीं कर रहे हैं, गोरखपुर में भी हमारा मुसलमान समाज तबका है, वो सब भाजपा को वोट देने, मुझे वोट देने के लिए इस वक्त तैयार है।
तो मैं तो यहाँ की बात बता रहा हूँ ना, यहाँ भी तो मुस्लिम रहते हैं, वहाँ कोई अलग मुस्लिम नहीं रहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में वही मुस्लिम रहते हैं जो जो एक ही चीज़ों को मानते हैं। और यहाँ के मुस्लिम समाज से मेरी मुलाकात होती है, हमसे गले मिलते हैं और इज्जत से बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस बार हम लोग सुखी से हैं, दंगा नहीं हो रहा, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं और हम लोग भाजपा को, हम लोग मोदी योगी जी को वोट करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपके चुनाव को लेकर, आप चुनावी मैदान में हैं, बसपा के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि भाजपा और सपा ने जिन कैंडिडेटों को उतारा है वो दोनों बाहरी हैं, मैं गोरखपुर का हूँ और इसलिए गोरखपुर की जनता मुझे वोट देगी, ये लोग तो सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं। नहीं, 5 साल से हम यहीं पर रहते हैं और कोरोना में भी यहीं थे, रोजगार भी दे रहे हैं सबको यहाँ शूटिंग के माध्यम से। ये लोग एक 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 आदमी को इन्होंने कभी रोजगार दिया या वैक्सीन लगवाई जाके या हॉस्पिटल का बेड दिया या अनाज का थैला दिया या गरीब के लिए कभी सड़क पर से किसी बीमार को उठा के एक्सीडेंट होते तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, किसी के मृत्यु पर, किसी का घर जलने पर वहाँ गए, खेत जल रहा है वहाँ खड़े थे। एक विजुअल इन लोग बता दें कि लोग 5 साल कहाँ थे। तो मैं तो यही मामखोर मिट्टी का, मेरे पर दादा इनके शायद वहाँ नहीं होंगे, मैं 150 साल से यहीं गोरखपुर का हूँ, मामखोर जगह है, हमारी मिट्टी यहीं की है, मेरी जड़ें हैं यहाँ, मेरा घर है नौकायन पे, मैं यहीं पर वोट करने जा रहा हूँ, मेरी पत्नी यहीं रहती हैं। तो का नाम हो इनकर जो बसपा के माननीय प्रत्याशी आए हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो गोरखपुर सारी में रहते हैं। अच्छा, नहीं इनको शुभकामना है, लेकिन साथ ही जनता को ये भी बताते जाएं कि वो 5 साल उन्होंने किस गरीब की मदद की और उसका विजुअल बताएं, किस गरीब निषाद बेटी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई या किस गरीब निषाद बेटी को अनाज पहुंचाया, अस्पताल में एडमिट कराया, ये कोई भी विजुअल फोटोज़ बता दें। 5 साल ये लोगों ने, 5 साल क्या किया, कोरोना काल में कहाँ थे, बाढ़ में कहाँ थे, जब भी गोरखपुर को ज़रूरत थी तब ये लोग कहाँ थे वो बताएं और तब वोट मांगें। तो सांसद जी पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि इस बार जो जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा जताएगी, और साथ ही कहा कि जो अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव जो बयान दे रहे हैं वो मुस्लिम वोटों की चिंता को लेकर दे रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।